गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मीठी। मेरा नाम है मीठी। और आज मीठी केक काटेगी, है ना मीठी? हाँ। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। क्या खा रही हो? जामुन। जामुन खा रही हो? हाँ। अरे वाह, आज मीठी का बर्थडे है तो सब लोग विश करिएगा मीठी को। और आज मीठी क्या पहने हो? कितने प्यारे लग रहे हो मीठी। पूछो सबसे मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मीठी काजल लगाई है? हाँ। कपड़े में नहीं पूछना है ना, जामुन का दाग लग जाएगा, छूटेगा नहीं कपड़े से, है ना? ठीक है। हाँ जल्दी खा लो, फिर चलते हैं किचन में दूध बिस्किट खिलाते हैं। हाँ, और योगा करके दिखाओगी फ्रेंड्स को? कब दिखाओगी योगा करके? बाद में। तो ब्लॉग के साथ बने रहना है फ्रेंड्स को, फिर योगा करके दिखाओगी ना? ओके। अभी मीठी आप लोग को योगा करके दिखाएगी। मीठी को बहुत अच्छे से योगा करने आता है ना मीठी? ओके फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मंदिर, और हम लोग पे सामने ना मेरी दोस्त रहती है, और केक लेने जा रही हो? हाँ। मंदिर जाओ। बाय। सो चली गई है मीठी मम्मी जी के साथ मार्केट। पहले जाएगी मंदिर, फिर जाएंगे देवर जी, जाएंगे केक का ऑर्डर देने। तो ये देखिए, और मैंने ना सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि सब्जी कल रात को सोयाबीन की बढ़िया बनी थी, सोया चंक्स, तो इसीलिए सब्जी रखी हुई है। मैंने सिर्फ रोटी, और रोटी अभी बनाया है, और चावल मैं दोपहर में 1-2 बजे डालूंगी, तो मैंने इसीलिए नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ब्लॉग को बहुत लंबा अभी से नहीं करूंगी ना, जब शाम को बर्थडे होगा उस टाइम पे मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। तो ये देखिए, अब भी आटा भी लगाया हाथ में, जा रही हूँ हैंड वॉश करने, और उसके बाद थोड़ा यहाँ जो साफ सफाई करनी है वो करूंगी, और देखते हैं कि बर्थडे होता कहाँ है, हॉल में होता है या बिल्कुल आगे वाले रूम में होता है या मेरे रूम में होता है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है यार। तो ठीक है, अब मैं सीधा आपको शाम को मिलूंगी, और मीठी भी आपको सीधा शाम को मिलेगी तैयार होके, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 5:30, शाम का टाइम है, 5:30 बजे हैं, और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं उधर देवर जी बैठे हैं, और इधर ये हस्बैंड जी खड़े होके कुछ होम थिएटर में सॉन्ग लगा रहे हैं। अभी सॉन्ग मत ऑन करना, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग से। और ये देखिए, चाची सास की बेटी बैठी है, उनका बेटा, सब देवर और नंद सब लगे हुए हैं सजावट करने में, और मीठी लगी हुई है सब कुछ फैलाने में, इसका अलग ही चलता रहता है। क्या चार्ज में लगा रही हो? और अभी आपको जो रूम का फाइनल डेकोरेशन थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा, जब बर्थडे होने लगेगा, जब पार्टी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है? बहुत नॉर्मल सी छोटी सी पार्टी, बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब किचन में दिखाते हैं कि मम्मी जी किचन में क्या कर रही है, ठीक है? तो किचन में भूना जा रहा था मसाला, जो कि मम्मी जी ने पहले से पीस पीस के रखा था, जब हम लोग कमरे को डेकोरेट कर रहे थे तभी। तो ये काबुली चना जो होता है उसको पहले फुला लिया गया है, भिगो लिया गया था पानी में, और उसके बाद इसको कुकर में सीटी बजा दी गई है। और ये है आलू, जिसको उबाल के मैश कर लिया गया है छील के। तो इसी से बनेंगे आज छोले हमारे यहाँ। और आलू इसलिए क्योंकि आलू से जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, जब आप ढेर सारा बनाओ तो ऐसे ही बनाना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे देवर जी लोग बैठ के जो रिबन होता है कागज की तरंगी टाइप की, उससे कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, और इसी को सजाएंगे हम लोग आज अपने रूम में। और ये देखिए, पापा जी अब बना रहे हैं पुलाव। थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, जीरा राइस टाइप बनाएंगे ये, जिसमें जीरा, तेजपत्ता और बड़ी वाली इलायची सब कुछ है। और इधर देखिए, बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं, और मेरी आवाज़ को माइंड मत करना यार, हालत ख़राब हो जाती है जब आपके घर में कुछ होता है। तो ये देखिए, नीचे पापा जी इधर बना रहे हैं पुलाव, और इधर सब बच्चे बैठे हैं, चाची लोग बैठी हैं। और ये देखिए, चावल को मम्मी जी ने धो के दे दिया है पापा जी को, और अब पापा जी इसमें डाल रहे हैं चावल,
और इसी तरीके से बन जाएगा पुलाव भी। अच्छी बात है ना कि सब लोग मिलके काम कर लेते हैं, चाहे वो हमारे घर की औरतें हों चाहे आदमी लोग हों, सब लोग मिलके काम करते हैं तो पता नहीं चलता है, और पार्टी भी हो जाती है छोटी सी और काम भी हो जाता है, मेहनत भी एक के ऊपर सारी मेहनत नहीं आती है। तो ये देखो बन गया पुलाव, और ये सब रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही थी, मेरी चाची सास की जो बेटी है वो कर रही थी, तो उसने थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन जो भी कर दिया, ठीक है सब बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए मैं बैठी हूँ ब्लू कुर्ती में, और इधर पिंक साड़ी में चाची हैं, इधर ब्लैक साड़ी में भी चाची हैं, और उधर मम्मी जी लोइयाँ काट रही हैं। और पता है हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी है, देख रहे हो कितने अच्छे से हम लोगों ने पूड़ियाँ बेल ली और पता ही नहीं चला टाइम का, और बातें करते करते एक दूसरे से सारा काम हो जाता है। ये देखिए पापा जी पूड़ियाँ तल रहे हैं इधर बैठ के, और बुआ जी निकाल निकाल के कढ़ाई में डाल रही हैं। इसी तरीके से हम लोग का पुलाव पूड़ी और छोले सब कुछ बन गया, और पता है 7:30 बजे हम लोग का पूरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गए थे हम लोग सारा काम करके। और उसके बाद मैं गई हूँ अपने कमरे में मीठी को तैयार करने, और उससे पहले देख लो आप लोग फाइनल डेकोरेशन। ये देखिए सब देवर जी का कमाल है, उन्होंने सजाया यहाँ पे, और सजाया खुद से, मेहनत खुद से की है उन्होंने, और पूछ मेरे से रहते भाभी क्या करूँ कहाँ लगाऊँ कैसे लगाऊँ, जो कि वो खुद इतना अच्छा लगाए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक निकल भी गया रेड वाला पर फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और अब देखिए हम लोग जा रहे हैं मीठी को कपड़े पहनाने, तो कुछ लोगों ने गेस किया था कि मीठी को क्या मिला है, तो उन्होंने गाउन गेस किया था, पर गाउन नहीं है ये, प्लाजो और क्रॉप टॉप है, फिश कट टाइप की बेल बॉटम वाली इसकी प्लाजो, बड़ी प्यारी लग रही थी ये पैंट इसके ऊपर मीठी के ऊपर। तो ये देखिए मीठी के पापा हैं, और पहले मीठी को तैयार करूँगी, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी और हस्बैंड जी भी तैयार हो जाएंगे। तो मीठी और हमारा रूम, इसी बहाने मैंने आपको अपना रूम भी दिखा दिया, ये देखो ड्रेसिंग है उधर, बेड है, और रूम कैसा लगा वो भी बताइएगा। और ये देखिए मीठी तैयार हो गई है अपने क्रॉप टॉप और ये प्लाजो पैंट के साथ, और क्राउन लगा दिया मैंने, मीठी देख रही थी कह रही इसको लगाना है लगाना ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा चलो ठीक है चल लगा देते हैं, और उस बर्थडे का है ये क्राउन इस बर्थडे। हम लोग हो गए हैं रेडी मीठी के बर्थडे के लिए, और मैं भी रेडी हो गई हूँ कुर्ती पहन के ब्लैक कलर की विथ ब्लैक इयररिंग्स, और ये है मीठी, और देखिए मीठी भी रेडी हो गई है। मीठी बिस्किट भूख लग गई थी क्या? ये देखो पीहू भी रेडी हो गई, सब बच्चे हैं घर के, और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और हम लोग कैसे लग रहे हैं, हमारी फैमिली कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, और मीठी कैसी लग रही है आज ये भी बताइएगा। और मीठी ने अपनी ड्रेस को पूरी तरह से ख़राब कर ली है, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा मतलब मीठी ने कितने अच्छे से पहना था, पर अब मीठी इसको नीचे कर रही है बार बार, जिसकी वजह से पूरी ड्रेस ख़राब लगने लगी। तो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए मीठी का बर्थडे, अभी तो मीठी का केक कटिंग बाकी है यार, तो चलो भाई पार्टी स्टार्ट करो। मैंने ना गाना बंद करवाया था क्योंकि ना कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा गाना बंद करवा दिया मैंने। और ये देखें, और हस्बैंड जी बहुत कैमरा शाय नहीं है क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल अभी ख़राब हो गई, टकलू हो गए हैं, इसीलिए वो नहीं आते हैं कैमरे के सामने, वरना वो कैमरा शाय बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए हमारे घर के बच्चे, छोटा सा देवर है मेरा, छोटी सी नंद है मेरी, और भी बहुत सारे फैमिली के मेम्बर्स हैं। देखिए छोटे छोटे देवर नंद सब हैं, और मीठी तो लगता है बुआ और चाचा कम है, ये इन लोगों के फ्रेंड ज़्यादा बन गए हैं, तो आप लोग ही इन्जॉय करिए ठीक है। और आखिर बात मनवा ही ली मीठी और पहन ली लहंगा, ये इसकी बुआ की शादी का लहंगा है, और उसने अपना जो क्रॉप टॉप था वो उतार दिया, कह रही है कि पीहू ने फ्रॉक पहनी है लॉन्ग वाली तो मुझे भी लॉन्ग कपड़ा पहनना है। और उसके बाद अब हो रहा है यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी, तो हस्बैंड जी कैंडल वगैरह लगा रहे थे, मीठी 4 साल की हो गई है इसलिए यहाँ पे 4 साल वाली कैंडल लगी हुई है पहले से, मतलब लगा दिया हस्बैंड जी ने, और उसके बाद यहाँ पे और कैंडल लग रही है। यहाँ पे आपको सब लोग दिखेंगे, सब लोग, बस मैं नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो, बच्चे क्या होता है बहुत हिला देते हैं, इस वजह से एक तो रोशनी की इतनी कमी थी, फिर मैंने सोचा कि आप लोग को ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं खुद कैमरे को लेकर इतने लोगों के बीच में शुरू हो गई। और ये देखो यहाँ पे मेरी चाची बुआ घर के मोहल्ले के बच्चे हैं, और फैमिली वाले ज़्यादा थे, बच्चे थे सिर्फ मोहल्ले से और कुछ मेरे देवर जी के दोस्त,
और बस ऐसी थी हमारी छोटी सी पार्टी, छोटा सा प्रोग्राम, और ज़्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं किया, बड़े सिंपल तरीके से किया था यार। तो आप लोग को जैसा भी लगे वो कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरा रूम कैसा लग रहा है मैं दोबारा पूछ रही हूँ वो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग आज पहली बार मेरा पूरा रूम देखे हो ठीक से। एक तरह से मैंने रूम टूर भी करवा दिया आप लोगों को, और यहाँ पे कैंडल लग चुकी है, मम्मी जी लगा रही है मीठी को टीका, और हम लोग यहाँ पहले टीका वगैरह लगाते हैं बच्चों को, उसके बाद ही केक कटवाते हैं उनसे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कैंडल, जब केक के ऊपर कैंडल लग जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और हर बार की तरह इस बार भी मम्मी जी और पापा जी ने ही मीठी को केक कटवाया। हम लोग नहीं कटवाते हैं खुद से, क्योंकि हम कहते हैं जब तक हमारे घर में बड़े हैं तब तक वही कटवाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे थी मीठी जब मायके में मेरे, तो मेरे मम्मी पापा ने केक कटवाया था, और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जी ने। तो चलिए हो गया है केक कटिंग, अब सबको दे देते हैं केक वगैरह, जो नाश्ता मैंने लगा के रखा है पहले से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले से सब कुछ तैयारी कर ली थी, नमकीन बिस्किट वगैरह रख दिया था, बस इस पे मैं केक कट करके रख दूंगी, और उसके बाद करेंगे हम लोग बहुत सारा डांस। मैंने बहुत सारा तो यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती ब्लॉग। और ये देखिए मेरी चाची सास हैं, ये डांस कर रही हैं, दारू बदनाम कर गई वाला सॉन्ग बज रहा था। तो देखा आपने कैसे मम्मी जी के साथ मैंने डांस किया। मम्मी जी बहुत डांस करती हैं, पर इस टाइम पे उनका पैर दर्द हो रहा था इसलिए वो थोड़ा सा कम डांस की थी। और मैं हूँ चाची सास की बेटी है, डांस कर रहे हैं हम लोग, और गाना बज रहा है बेबी डॉल में सोने दी। और ये डांस सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है, हम लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, कुछ मत कहिएगा आप लोग कि कैसा डांस किया, अच्छा किया तो बोल दीजिएगा, खराब मत बोलना ठीक है। और ये देखिए मीठी है, मैं मीठी को डांस करवा रही हूँ, बहुत डांस किया था इसने, थक गई थी बिल्कुल ये डांस कर करके, जब से बज रहा था गाना तब से सब बच्चे डांस कर रहे थे। और डांस हो और आयुष भूल जाए डांस करना, हो ही नहीं सकता। ये देखिए शुरू है बिल्कुल डांस में लगा हुआ है, और बार बार मैं इसे चिढ़ाने के लिए आ रही थी इसके पास डांस करने, तो कह रहा है मैं भाभी के साथ डांस नहीं करता। तो मैंने बोला नहीं, देवर लोग के साथ भाभियां डांस करती हैं, मेरे साथ डांस करो। तो कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं करता, वो शर्मा रहा था मेरे साथ डांस करने। तो देख रहे हैं हमारे आयुष जी कैसे लोट लोट के जमीन में बिल्कुल लेट लेट कर डांस कर रहे हैं। फर्स्ट में लगाएंगे आयुष का डांस, चाची सास के बेटे का डांस। बड़ी चाची है, चाची की बेटी है, चाची है, दादी है, बुआ है। क्या खा रही हो दीक्षा, बताएगी क्या क्या खा रही। मैं सैलेड खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, पूरी खा रही हूँ, चावल है। छोले की सब्जी है, बुआ बता रही। क्या हो रहा है मीठी? और मीठी कल के ब्लॉग में दिखाएगी सब गिफ्ट अपना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने, और वीडियो का कर रहे हैं लास्ट। मजदूर आदमी ने बहुत सारा काम किया है, और एक तो ये बैठे हैं। और कपड़े को माइंड मत किया करिए आप लोग, गर्मी का टाइम है, वैसे आप लोग माइंड नहीं करते हो, बहुत समझदार हो। और मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि मुझे ब्लॉग का एंड करना था। सो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ओए किंग कॉन्ग, गुड नाइट करो किंग कॉन्ग, बाय। और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। मीठी गुड नाइट करो सबको, चलो चलो गुड नाइट। हाँ गुड नाइट करो, फिर पूरा चला जल्दी से। गुड नाइट बाय। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था आज तुमको कमेंट बॉक्स में, सबको थैंक यू बोलो।
आज सब लोगों ने तुम्हें बेस्ट विशेस दी थी अपनी बहुत सारी, थैंक यू। और किसी दे दो फ्लाइंग किस दे दो। तो मीठी उन सबको फ्लाइंग किस दे रही है जिन्होंने मीठी को इतनी सारी भर भर के बेस्ट विशेस दी थी कमेंट बॉक्स में। और देख रहे हैं कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, मैं जा रही हूँ कूलर चलाने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।